हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। खबर आउट में आपका स्वागत है। आज ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अभिरा के लिए फूफासा के सामने स्टैंड लेगा। वह कहेगा, अगली बार अभिरा से बात करते वक्त यह ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये मेरी पत्नी है। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो मैं भी ये भूलने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है। इतना कहने के बाद अरमान अभिरा को लेकर अपने कमरे में चला जाएगा। अभिरा अपने कमरे में अरमान के साथ मस्ती करेगी और अरमान का मूड ठीक करने की कोशिश करेगी। वहीं काजल आकर पूरे पौदार परिवार को अरमान की हरकत के बारे में बताएगी। इससे पहले कि दादी सा अरमान की इस हरकत पर कुछ कहे, फूफासा आ जाएंगे। वह काजल को पौदार हाउस में आने से साफ मना कर देंगे। इतना ही नहीं, वह काजल का हाथ पकड़ कर उसे अपने घर ले जाएंगे। परिवार का हर एक सदस्य फूफासा को मनाने की कोशिश करेगा, हालांकि फूफासा नहीं मानेंगे। ऐसे में दादी सा अरमान को बुलाएंगी और फूफासा के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए कहेंगी। अरमान चुपचाप दादी सा की बात मान लेगा और फूफासा के पैर पड़कर उनसे माफी मांगेगा। फूफासा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह पौदार हाउस के अंदर आ जाएंगे। हालांकि अरमान उन्हें बैठने नहीं देगा। वह कहेगा, मैंने तो माफी मांग ली, अब आप भी अभिरा से माफी मांग लीजिए। सब हैरान रह जाएंगे। दादी सा अरमान पर चिल्लाएंगी। ऐसे में अरमान कहेगा, मुझे इस घर में यही सिखाया गया है, दादी सा की गलती सबसे होती है और गलती होने पर तुरंत माफी मांग लेना चाहिए। मैंने आपसे बदतमीजी से बात की फूफासा, तो मैंने माफी मांग ली। आपने मेरी पत्नी की बेइज्जती की है, इसलिए अब आप उससे माफी मांगेंगे। फूफासा भड़क जाएंगे। अरमान और फूफासा में बहस होगी और फूफासा काजल के साथ घर छोड़कर चले जाएंगे। अरमान का बर्ताव देख दादीसा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह अरमान को जोरू का गुलाम कहेंगी। सिर्फ अरमान को ही नहीं, वह अभिरा का साथ देने के लिए विद्या और मनीषा को भी खरी खोटी सुनाएंगी। अरमान परेशान हो जाएगा। वह अकेला बैठकर सोचता रहेगा और तभी उसके पास विद्या आएगी। विद्या अरमान को अकेले में समझाएगी, कैसे लगा आपका आज का अपडेट।